हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम अगेन से। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने पाइथन सीरीज में कि जो हम एरे पढ़ रहे थे, तो इस पूरे वीडियो के अंदर पढ़ने वाले व्हाट इज द 2D एरे। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम 2D एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे उसको प्रिंट करें, कैसे उसको इनिशियलाइज करें, कैसे डिक्लेयर करें, एंड प्लस साथ में हम अपना आज मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के साइज के बारे में कल समझेंगे कि कैसे आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन रो और बेस कॉलम में काम करता है। चलिए आप सभी जुड़ जाओ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन प्लेयर्स को एक्सेस करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आप सब प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैट बॉक्स में मुझे एक मोहर जरूर देके जाए कि यस, मैंने इस वीडियो को वॉच किया है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो आप सबका एक चैट और आप सबका मोहर मुझे ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप लोग चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और मेरा कंटेंट नोट जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए लेक्चर के थ्रू, सभी आपके लिए बेनिफिट रहा है। या आप एग्जाम की तैयारी करो, या आप PGT एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी चीज़ करो, या आप एकदम डेवलपर बनने के हिसाब से चीज़ें बैठे करो, या आपको एक फुल स्टैक वेब बनना है, आपको मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग जाना है, आपको पाइथन की हेल्प से, या आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, या आपको डेटा साइंस करियर बनाना है, उसके लिए पढ़ो। इन सब के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशन एरे के बिना ही हमारा सारा प्रोग्राम का फ्लो और कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ से हम बात करते हैं अपना, हम डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सब चीज़ हमारा यहाँ पे बेसिक है। ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो होता है वो तो पढ़ चुके हैं, लेकिन डेटा साइंस का जो NumPy लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले आज हम। सो जुड़ जाओ, आप चैट कर दो, फर्स्ट टाइम वीडियो को तो लाइक कर देना और साथ में शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के पास। जल्द से जल्द हमारी टीम बड़ी होनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एरे में कि यार एरे की हेल्प से फ्रॉम एरे आपका इंपोर्ट किया था हमने, और इंपोर्ट एरे इसकी हेल्प से मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एक एरे लूँ AR array 1 और इसको मैंने इस तरह से किए थे, है कि नहीं है। तो पहला आपका क्या था, पहला आपका आई था जो काम करता आपका इटरेशन के लिए, सेकेंड किसके लिए काम कर रहा था, डी टाइप जिसको बोलते हैं हम। काम करते हैं पूरे 110 को एरे को ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा एरे है। आठ वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे थे, हमारा होपफुली कितना आपका आंसर आ रहा था, ये मेरा था 1D एरे, ये मेरा क्या था, दिस इज माय 1D एरे। जो आपका लिस्ट बनता है ना, लिस्ट को जो एरे बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1D, मतलब इसमें आपके एक ही डायमेंशनल है। 1D मतलब जिसके अंदर आपके केवल एक ही रो हो। 1 रो मतलब 1 डायमेंशनल, 2 रो मतलब 2 डायमेंशनल, 3 रो मतलब 3 डायमेंशनल। इस एरे के साइज के बारे में बात करूँ, तो इस एरे का साइज के बारे में मतलब रो और कॉलम पे, पहले मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊँ, देन बात करेंगे। सो ये एरे, अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे को एक नया एरे बनाऊँ, new_A$ array, और इसके लिए क्या करूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा क्या कि array1.dtype, ठीक है, ये लिख दिया। और साथ में यहाँ पे अपना हम एक और लगा लेंगे अपना एरे कि A के अंदर स्टोर करो for i in A$ array1 के अंदर। तो ये A जो आपका है वो A आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके भी पे, जो एरे वन के अंदर जितनी वैल्यू आपकी आएंगे सारी 1 से लेके 10 तक में for i in range। और ये मेरा क्या लूप है, ये मेरा क्या लूप है। अब प्रोग्राम को आप प्रिंट करोगे new_A$ array, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये array1 dtype पता है क्या होता है, जो आपने आई दिया यहाँ पे डायरेक्ट इसको भी ले सकते हो, डायरेक्ट array1 का डी टाइप लिया कॉमा A। A क्या है, ए मतलब हमारी वैल्यू स्टोर होगी, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, एक नया आपका एक ए है जिसके अंदर आपकी वैल्यू सारी स्टोर होगी जो भी यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं for i in array1। तो एरे वन के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबका उठाएगा ए करके और इस ए के अंदर स्टोर कर देगा। हमारे एरे वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उठाएगा और इस ए के अंदर स्टोर कर देगा। और वही ए आपका कहाँ जाए, न्यू एरे के अंदर गया। जब प्रिंट करोगे तो इसको ऐसे नहीं प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है किसमें, व्हाइल लूप की हेल्प से। फॉर i in i नहीं लेते इस बार, चलो कुछ ले लो, for j in new_A$ array के लेते हैं, कॉल लगाया, प्रिंट क्या करेंगे, print, हम j प्रिंट करने वाले हैं। फाइल सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं और इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। होपफुली हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने वाले हैं। यहाँ पे इसका आंसर देखना क्या आएगा, दिस इज माई आंसर, कि ऊपर आपका आएगा 1 से लेकर 10 तक और नीचे भी आपका आएगा 1 से लेकर 10 तक। वैल्यू नहीं आया, डेट इज रॉन्ग, वट टाइप्स ऑफ एरर। ओके, यहाँ पे हमें A$RAY array लिखना बहुत जरूरी है, एरे तो लिखा ही नहीं हमने। इसका आंसर होपफुली डन आपका आना चाहिए। यहाँ पे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस टाइप कोड के बारे में कुछ और भी आप राइट कर सकते हो। मैंने जो इसका आपका टाइप कोड था आई, वही मैंने सेम लिख दिया है
और टाइप कोड क्या होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं अपने हम लास्ट वाले वीडियो में। एक बार इसको स्क्रीन क्लियर करके और इसको फिर से एक बार रन करते हैं और होपफुली हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, पहले का आपका आएगा 1 से 10 तक और यहाँ पे नीचे कितना आपका है 1 से 9। आप चाहे तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करना तो अभी एक ही है, यहाँ पे आप ए में 2 ऐड कर दो। तो आपको जितने भी अब एक काम करते हैं इसको जरा हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं और इसको फिर से एक बार स्क्रीन को क्लियर करके अपने कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ से स्क्रीन क्लियर करके कॉन्सेप्ट समझेंगे। जे मेरा क्या होगा होपफुली 3, 4, 5, 6 आ रहा है। हर एक में कितना आपका वैल्यू हो रहा है 3 आपके 2 आपके ऐड। पहला एलिमेंट 1 था, एक सेकेंड कहाँ गया, पहले आपकी वैल्यू 1 थी, रुक जाओ, वैल्यू 1 थी, 1 में 2 ऐड हुआ, कितना आंसर आ गया 3 आ गया। पहले वैल्यू 2 थी, 2 में कितना ऐड हुआ 2, कितना फोन सा, पहले 3 थी, 3 में कितना ऐड 2, तो कितना 5 आ गया। वैल्यू 4 है, 4 टू ऐड का 6, तो हर एक एलिमेंट आपका 2 ऐड हो गया। आप चाहो तो 2 का यहाँ पे माइनस भी कर, जो आप यहाँ पर करोगे जहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं जहाँ पर 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हर एक एलिमेंट आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर आने वाला है। दिस इज माई एरे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपना मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2D एरे, वॉट इज द 2D एरे। सो देख पा रहे हो आप लोग हर एक में आपका 2 से इंटू हुआ। आप चाहते हो इसका स्क्वायर निकालना तो आप इसको a into a कर दो। सो हम इसका फिर से रन करते हैं, इसका फाइल को पहले सेव करो, फाइल सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करेंगे और देखिए आंसर कितना आएगा आपका। हर एक केस में आपका आएगा स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये numpy इंस्टॉल कहाँ से आ गया, तो आप देख पा रहे हो हर एक किस्म क्या हुआ आपका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से आपके जो भी ऑपरेशन यहाँ पर कर, मतलब यहाँ पे चाहे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप आए जे देना चाहो तो दे सकते हो आप। लेकिन अब बात करेंगे हम 2D एरे की। 2D एरे के लिए एक फाइल बनाते हैं, नया 2D एरे के लिए नया फाइल बनाएंगे। अब फाइल का नाम क्या रखते हैं, फाइल का नाम रखते हैं 2DARRAY। ओके एरे 2D.py, ठीक है। और इस फाइल की मुझे नीड नहीं है, यहाँ से इस फाइल को कट कर दो। सबसे पहले आपको 2D एरे को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रो और कॉलम। आपको क्या चाहिए होता है, रो और कॉलम। उस रो और कॉलम के लिए थोड़ा सा मैं आपको चलता हूँ डैशबोर्ड पे, क्या थोड़ी बात करते हैं कॉलम क्या होता है, देन हम बात करेंगे। मान लेते हैं कि आपका एक एरे है जिसके अंदर साइज कितनी है 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका यहाँ पे हमेशा एरे आपका काम करता है आपका रो और कॉलम पे। तो ये जो आपकी होती है दिस इज रो, ये क्या आपकी होती है रो, और ये जो आपकी होती है क्या होती है कॉलम, क्या होता है कॉलम। तो यहाँ पे आपकी क्या भी एक ही रो है, इट मीन आपका 1D है। ये आपके जो एरे थे आपके क्या थे 1D, मतलब 1D, DIMENSIONAL, ये आपके थे 1D एरे की। और इसके कॉलम कितने, तो कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4 और कॉल 5। तो एक रो के अंदर आपके 5 कॉलम है। लेकिन ऐसे अगर आपका 2 रो आ जाए, एग्जाम्पल के लिए आपका ऐसे 2 रो आ जाए तो इसको हम बोलते हैं 2D एरे और डायमेंशनल एरे। यहाँ पर कितने रो है आपके, 1 रो 2 रो। तो पहले रो का पहला कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फाइव कॉलम। और साइज क्या होगा उसका, तो 2 है तो कितना होगा 2.5 का आपका होगा साइज इसका। तो 2 रो है 5 कॉलम है, यहाँ कितने का है 1 रो है 5 कॉलम है, तो ये आपका हो गया 1 into 5 का साइज हो गया। और इसको आपस में इंटू कर देते हैं, इसको आपस में इंटू करते हैं तो वो आपका बनता है एलिमेंट। 1 into 5 कितना होगा 5, तो 5 का एलिमेंट होगा। 2 into 5 कितना होगा 10, तो 10, 2 into 5 कितना होगा 10, इसके अंदर आपके 10 ही एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज माई 1D and 2D। चलिए सबसे पहले आपको 2 लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी है। इम्पोर्ट करने के बारे में बात बता रहा हूँ कैसे करोगे इम्पोर्ट। नंबर 1, आपको इम्पोर्ट करना है pip numpy, आपको इंस्टॉल करनी है pip numpy और pip 3 numpy। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अगर यूज़ करूँगा तो मेरे में एरर नहीं, आप यूज़ करोगे तो आपके में एरर, इसलिए आपने इस वाले पे आ जाना यहाँ पे नीचे और यहाँ पे स्क्रीन करते क्लियर, पहले स्क्रीन करते क्लियर
और यहाँ पे अपना numpy इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करोगे? pip install numpy, सेव लिखनी है। जैसे pip install numpy लिख दोगे तो आपका numpy आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, जो अपने आप हमारे पाइथन के लाइब्रेरी में जो हमने इंस्टॉल किया था ना पाथ सेट के, तो वहाँ पे हमने pip नाम का पाथ ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए सेट किए हुए हैं टिंकल pip को। तो ये उसी भी आप पे हमारा pip install numpy आपका इंस्टॉल है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए लिख कर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई। चलिए ये दूसरा आपका है, अगर ये ना काम करे तो pip 3 से इंस्टॉल करना। ये ना काम करे तो pip 3 इंस्टॉल numpy लिख देना, ये काम कर जाएगा। फाइल सेव कर एंटर मारना, कमांड लिख के pip 3 इंस्टॉल numpy, दोनों कमांड ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों pip और pip 3 दोनों आपके ऑलमोस्ट सेम है। मैं कह रहा हूँ दोनों को इंस्टॉल कर लो, दोनों को इंस्टॉल कर लो। हर यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेंगे, हमने अपने एरे के और ज्यादा कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप pip इंस्टॉल कर लो। देखो ये भी लिखा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई, मेरे में ऑलरेडी सर्टिफाई है। आप में जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा ना थोड़ा टाइम लेगा इंटरनेट के थ्रू, या इंटरनेट नीड ऑन कर लेना, उसकी नीड अगर होगी तो अपने आप ले लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। और करने के बाद सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना है। क्या इम्पोर्ट करना है पे? फ्रॉम नहीं लेते IMPORT, इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट numpy numpy numpy, और इसका हम शॉर्ट पास करते np, ठीक है। ये क्या आपका हो गया numpy, हमने इम्पोर्ट कर दिया। क्यों इम्पोर्ट किया? क्योंकि हम और इसको कर चुके हैं। क्या करना है मुझे, एक काम करता हूँ, मैं इन सबको यहाँ से लेता हूँ, मैं एक बार मैं इन सारा कॉन्सेप्ट को समझ जाऊँगा। इम्पोर्ट numpy, हाँ यहाँ पे आप इस तरह से लिख दो भाई, इस तरह लिख दो। क्या लिख दो? एक तरीका ये है कि इम्पोर्ट numpy एज numpy, जब हमने इस numpy का शॉर्ट नाम बनाया एलियास बनाया np, अगर आप चाहते हो उसको ऐसे लिखो तो फ्रॉम, क्या लिखो? फ्रॉम numpy इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एरे, फ्रॉम numpy से आप एरे को इम्पोर्ट करो। तो यहाँ पे केवल आपका एक एरे इम्पोर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इम्पोर्ट numpy को हमने शॉर्ट पर लिख दिया, तो numpy के सारे आपके जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसको आप एक्सेस कर पाओगे। देख लिख क्या है, जैसे मैंने np को सेलेक्ट किया, numpy प्रोवाइड एन एरे ऑब्जेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होमोजीनियस आइटम फास्ट, इसके अंदर आ जाऊँ ये आपके, जैसे मैंने इंपोर्ट किया ना तो उसके अंदर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, फिर देखना ध्यान से क्या हुआ, फिर देखना मैं इस पर गया, सिलेक्ट करता हूँ और छोड़ दो। जैसे सिलेक्ट करोगे इस पर नहीं, इस पर कर लो, देखो आ गया एन एरे ऑब्जेक्ट ऑफ एट्रीब्यूटरी होमोजीनियस आइटम होता है, फास्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ओवर एरे के भी आप पे, और लीनियर एलजेब्रा फोरियर ट्रांसफर रैंडम नंबर जनरेट करना सब आपके एरे, और नीचे पढ़ो हाउ टू डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपकी होती है द numpy होम पेज आईपी, आपके एडवांस चीज की इम्पोर्ट numpy np लिखा मैंने, और ये रहा आपका SQL 24 XML ऐड कर दोगे। हेल्प के लिए लिखोगे हेल्प np डॉट शॉर्ट लिख दो। चलिए काम करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे आओ, देखो np.logstore, इन सबको स्टेप बाय स्टेप np फ्रॉम numpy से इंपोर्ट को आप डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाओगे। तो हेल्प में डॉक्यूमेंट लिख दिया, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। आप इसको हम इस स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों देखते हैं, पहले डॉक को देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, देन इसको देखते हैं। तो हमने किया है तो इम्पोर्ट numpy np किया, अभी प्लान के लिए इसको करते कमेंट। फाइल सेव करें, चलिए फाइल सेव करते हैं, और यहाँ पे मुझे एक नया एक मुझे कर काम करना है, कुछ नहीं करना मुझे यहाँ से इन सबको कट कर दो, यहाँ से इसे भी कट कर दो, सभी कट कर दो, और यहाँ से एक नया आप पढ़ लो। जैसे मैंने हेल्प में np डॉट शॉर्ट लिखा है, आपका आगे हेल्प ऑन फंक्शन शॉर्ट इज मॉडुअल numpy शॉर्ट ए एक्सिस ए के नॉन, ये मतलब आपका एक्स एक्सिस, मतलब आपका एक्स एक्सिस जो होता है ना वाई एक्स एक्सिस होता है जो आपका होता है मैथ के अंदर, उसके लिए बोल रहा है किड नॉन है, ऑर्डर आपका नॉन है, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, अभी कुछ लिया कोई ऑर्डर नहीं है। एंड रिटर्न ए सॉर्टेड कॉपी ऑफ द एरे, पैरामीटर हमारा एरे लाइक एरे टू बी सॉर्टेड एक्सिस इंट और नॉट इंट, ये होते हैं। फिर से चलते इस पर क्लिक करके नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, इसे कॉपी कर लो np डॉट हुक वाला, इसे कमेंट करो और अब की बार पेस्ट करो ये वाला। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ, और अपने आते हैं आउटपुट पे, टर्मिनल देखो, और अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अब np डॉट
लुक फॉर कीवर्ड लिखा है तो आपका क्या आ गया, सेव सर्वर एरे इनटू अ सिंगल फाइल कंप्रेशन। तो इस तरीके से आपके नंपाई का फॉर्मेट आ गया, नंपाई डॉट नाइन डॉट टू रिप्लेस नॉट ए नंबर विथ जीरो टू इनफाइनाइट विथ लार्ज इनफाइनाइट नंबर। सो इस तरह से आपके चीजें आ चुकी हैं, ये हमारे होते हैं नंपाई के अपने लाइब्रेरीज। और एक और आपका लाइब्रेरीज है उसके बारे में बात करते हैं, देन अपने बारे में बात करेंगे। हमें आप इसके पे आप तो केवल आप नंपाई से ले पाओगे, लेकिन जब मैंने फ्रॉम नंपाई इम्पोर्ट, अब मैं नंपाई से क्या करूँगा केवल इम्पोर्ट किया है, तो क्यों इम्पोर्ट क्या मैंने किया नंपाई। अब मैं अगर ये वाली लाइब्रेरी कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मेरा इसका मुझे निर्णय नहीं है, कमेंट कर देते हैं। तो फ्रॉम नंपाई से इम्पोर्ट करो डॉक्यूमेंट को, और जब मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ प्रिंट करता हूँ PRINT प्रिंट, और इस हेल्प पे ना के प्रिंट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और इसको यहाँ से कट करके हटा दो। ये हमें हमारा पाइथन का जो खुद का लाइब्रेरी है ये हमें ऑटोमेटिकली दे रहा है, और यहाँ पे रन करते हैं और देखते क्या आता है उसका आउटपुट को। जब मैंने हेल्प डॉट डॉक्यूमेंट लिख दिया तो नेम क्या है, हेल्प ऑन पैकेज में क्या आपका आ गया, नंपाई डॉट डॉक्यूमेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन क्या है, टॉपिकली डॉक्यूमेंटेशन द फॉलोइंग टॉपिक आर अवेलेबल मोर। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ है हेल्प के लिए है, हम इसको समझ रहे कि मैंने पाइथन ने क्या दिया तो जो भी दिया उसको कर लिया। अब सवाल है मेरा अपना पॉइंट पे कि मैं अगर एग्जाम्पल के लिए इस पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, और मैंने अगर फ्रॉम नंपाई से केवल डॉक्यूमेंट किया तो केवल यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ही आपका क्या होगा, यहाँ पे केवल आपका ओनली ओनली फॉर डॉक्यूमेंट होगा। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कमेंट और अपना ये वाला लाइब्रेरी खोलता हूँ कि फ्रॉम नंपाई से इम्पोर्ट करो एरे, और जैसे ही एरे कर दोगे इम्पोर्ट तो केवल केवल आप एरे को इम्पोर्ट कर पाओगे। फाइल सेव करते हैं और नीचे आके देखते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट लॉजिक होगा, देन बात करेंगे, ठीक है। और इस एरे का हम शॉर्ट नाम आते इलियास, नंपाई इम्पोर्ट करो एज एनपी रख दो, एनपी रख दो, ठीक है। तो एनयू डॉट एरे में फाइल पहला आपका गया एरे, दो एरे गया, इन दोनों एरे को आपस में ऐड करने के लिए क्या होनी चाहिए, इनकी एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। देखो लाइक एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ आपसे, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे जितना आपका साइज कितना है, इसका साइज आपका 1.3 है ना, और इसका भी साइज कितना है 1.3 है। यस, हम प्लस माइनस के लिए दोनों का साइज हमारा ऑलमोस्ट एलिमेंट सेम होनी चाहिए, उसका साइज भी सेम होना चाहिए, तभी आपका प्लस माइनस हो पाता है। तो जो मैंने नीचे किए, और कॉन्केटिनेट क्या काम करता है, वॉट इज द कॉन्केटिनेट आपके A, B, जब मैंने लिखा ना प्रिंट कॉन्केटिनेट में लिख दिया मैंने A, B दोनों एरे को आपस में कर देगा कॉन्केटिनेट, आपस में ज्वाइन कर देगा, ऐड कर देगा, एक एरे में दूसरे एरे को आपस में कर देगा कॉन्केटिनेट। याद रखना कॉन्केटिनेट मतलब एक एरे को दूसरे एरे से कंबाइन करके ऐड कर देगा आपको। फाइल को सेव करके इसका आउटपुट निकालेंगे और चेक करेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। रन करते हैं और देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारा आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, पहले केस में आपका प्लस हो गया 415, फिर आपका आएगा 527, ये क्या आ गया, ओके ओके, फिर से आ रहा है, इसे कट करो, ऐसे इसे हटाओ और इसको यहाँ पे इधर कर दो। देखो क्या आ गया है, नीचे लिख के आ रहा है कि एरे बोल्ड फंक्शन और मेथड एट्रीब्यूट्स हैव नो एट्रीब्यूट्स एरे, मतलब जब हमने केवल एरे को लिखा है मतलब ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि आपको इस वाले लाइब्रेरी को अब यहाँ पे करना है कमेंट, आप खोलना इस वाले को। और देखो लॉजिक कि अब मैंने कहा कि इम्पोर्ट डायरेक्टली, जब मैं नंपाई को इंस्टॉल कर चुका हूँ तो केवल मैं ऑनली नंपाई को करूँगा, नंपाई के यहाँ पे मैं मिसाल इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। अब की मैं फाइल अगर सेव करूँगा यहाँ पर नीचे आके मैं उसको एक बार स्क्रीन क्लियर करके अब की बार रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इस केस में, एनपी के यहाँ पे चीज हम कर रहे हैं एक्सिस, डेफिनेटली आपका आंसर पहले किस में आपका देगा क्या आएगा, मुझे उम्मीद है अभी भी आपका देगा एरर। सो डिड यू मीन एनपी, हम यहाँ पे एनपी राइट करते हैं और मतलब फिर फाइल सेव करते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें गलत राइट करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। और आप लोगों को मिनट तक गलती नहीं करनी है, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से गलती आती है। होपफुली डन है, फाइनली हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आने वाला है, चेक कर लो, फिर से एरर आ गया, कोई नहीं फिर चेक कर लेंगे एरर क्या आ रहा है, एनपी आ रहा है, एनपी कहाँ है, ओके 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 ओके, वन सेकेंड, यहाँ लगाओ ब्रैकेट, अपने आपका एक पैरेंथेसिस है, यहाँ लगाओ ब्रैकेट, अब डन है। चलिए जब ऐसे लगे ना कुछ चीज़ें सीखने समझने से हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जितना जब तक आपके पास एरर है, एरर का प्रॉब्लम समझना सीख जाओगे ना
तो कॉन्सेप्ट यही चीज़ आप लोगों को बहुत लोग दिखाते नहीं है वो डायरेक्टली जो अब आपके। सो अब बताओ एरर क्या रहा है, लिख क्या रहा है कि नेम एरर, नेम कॉन्कैटेनेट इज नॉट डिफाइंड। करने में क्या आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा क्योंकि हमने इंपोर्ट जो है ना नमपाई का शॉर्ट का नाम जो एलियास है वो एनपी है। अब यहाँ पे इंपोर्ट जो हमें नमपाई किया उस नमपाई का नाम नमपाई रखे क्या एनपी है, तो एनपी डॉट एरे में पहला आपका अच्छा भाई फोर कहाँ से आ गया, हमें केवल ओली ओली ने थ्री पास किया था। वन सेकेंड। सो अगेन से फाइल को एक काम करते फिर से सेव करना। सो अब के बाद 603 आपका एड हो जाएगा। सो फाइल को फिर सेव करके चलाते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर 3 में से कितना आंसर आ गया, माइनस का 3 आ गया। और ये क्या है, और ये क्या है कॉन्केटनेट में क्या किया कि पहले वाले एरे ने दूसरे एरे को आपस में दो कोण को सिंगल एक रो में उसने कन्वर्ट कर दिए हैं। और 3 क्या है मैक्स, मतलब ए के अंदर आपके मैक्स है और बी मतलब आप बी के अंदर मैक्स हैं। तो ये सारा खेल आप करें एमपी जो हमने पांडा लाइब्रेरी जो इंस्टॉल किया था इसके यहाँ पे हो रहा है। हम यहाँ पे इसको भी हम मैक्सिमम दो एरे को हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ फिलहाल के लिए कि इसको कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या होता है। और जब आपका दो एरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों मिला के वो आपका आएगा मैक्सिमम, और दोनों एरे में से जो आपकी होगी मिनिमम वैल्यू वो आपका आएगी मिनिमम। देखो यहाँ से मैक्सिमम क्या होगा 4, 5, 6 आएगा है ना, और मिन में क्या होगा, मिन में क्या है दोनों एरे में से आपका 1 मिन है, फिर यहाँ 2 भी मिन है और 3 भी मिन है। तो यहाँ पे एक बार स्क्रीन फिर से करते हैं क्लियर, यहाँ से स्क्रीन करते हैं क्लियर और एक बार इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। आप लोग यहाँ पे फिर से फाइल को रन करना और इसका आंसर देखना, होपफुली इसका आंसर पहले आएगा 1, 2, 3 नहीं है, पहले आपका आंसर आएगा 4, 5, 6 क्या है, दोनों एरे में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला पहले आएगा और जिसकी कम कम आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 34 करता हूँ ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ 5 और यहाँ मैं करता हूँ 2 एग्जाम्पल के लिए। और अब क्या होगा ध्यान देखना कि अब दोनों एरो को मिला के जहाँ जहाँ आपको मिलेगी उसको नेक्स्ट मिलेगी मोर देन, मान लो कि पहले वाले दोनों में देखो तो 4 आपकी मोर हैं, इसमें तो दोनों आपके इक्वल है 5, ये काम करते इसको भी आप डिसबैलेंस करो, इसको भी इस एग्जाम्पल इसको आप 6 कर दो ठीक है। और यू कैन सी 1, 4 में हाईएस्ट 4 हो गया, 5, 6 में हाईएस्ट 6 है और 31, 2 में हाईएस्ट कितना 31 है। सो नाउ अब इस फाइल को सेव करना और नीचे आके आपको करना है फिर से अगेन से प्रिंट, तो होपफुली जो आपके मैक्स के लिए होगा मैक्स आएगा, मैक्स कितना आपका आएगा 4, 6, 31 आपका आएगा मैक्स। भाई पहले के लिए 4 मैक्स है, दूसरे के लिए 6 मैक्स है, तीसरे के लिए आपका 31 मैक्स है। अब मिन के लिए क्या होगा, दोनों में आपका 1 मिन है, यहाँ पे आपका मिन 5 है, यहाँ पे आपका मिन कितना है 2 है, इसलिए आपका आंसर 2 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए यही आपके होते हैं मैरे के मैक्स मिन। हम इसको ज़्यादा और डीपली पढ़ते हैं, अब चलते हैं नीचे वाले पॉइंट पे, अगला पॉइंट में क्या पढ़ना है। अब मैं जरा इस वाले पॉइंट को करता हूँ अनकमेंट और आपको मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक इसे अनकमेंट करो। अब मैंने क्या किया है, एक एरे टू नंग बनाया वेरिएबल और एरे टू में गया क्या ए जो आपका वेरे एरे ए है ए डॉट व्यू व्यू किया, और साथ मैंने अपने एरे वन के जो आपके इंडेक्सी वन में 5 वैल्यू है वहाँ पे 5 ना क्या आपका हो चुका है 7, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, आपकी वैल्यू यहाँ क्या हो चुकी है एरे वन पे जो वैल्यू थी क्या थी 5 थी, अब क्या हो चुका 7। तो जब प्रिंट ए करोगे तो यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू क्या आपका 7 आएगा, लेकिन एरे टू की वैल्यू भी चेंज आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका इस व्यू का, जैसे मैंने ए डॉट व्यू किया है तो जब मैं इस ए में चेंजिंग करूँगा तब तब मेरा क्या होगा इस एरे टू में मेरा चेंजिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने ए डॉट व्यू किया है कॉपी करने के बजाय मैंने ए में ए डॉट व्यू कर दिया है। यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है एरे का कॉपी करने का कॉन्सेप्ट है। फाइल को एक बार सेव करो और एक बार स्क्रीन पहले क्लियर करते हैं, स्क्रीन क्लियर करके इसे फिर से एक बार रन करना और इसका आंसर देखना। आप सब लोग देख सकते हो क्या आ गया आंसर रखा 1731 1731। ये आपके कॉन्सेप्ट है, जब मैंने एरे टू में ए डॉट व्यू किया है तो इस केस में क्या हुआ है आपका ए वन में मैंने चेंज किया दोनों में चेंज हो गए। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक तरीके और समझाऊँ तो उसे देखो आप, जरा मैं इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट ओके और देन देखते हैं। और यहाँ से एक फाइल उठाता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ और इसको करते हैं अनकमेंट। अब यहाँ मैंने क्या किया है, जस्ट कि मैंने कॉपी किया है कि एरे ए में मैंने ए पास कर दिया तो एरे वन में आपका ए की वैल्यू गई पूरी, जब प्रिंट करूँगा एरे वन तो वैल्यू आएगा, अब प्रिंट करूँगा ए वो भी आएगा। आई डी निकालोगे तो आई डी क्या होती है आपकी मेमोरी की एड्रेस वेरिएबल का ही होता है, आई डी मतलब आपका एड्रेस होता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे पहले मैं इसको देखता हूँ देन वैल्यू को प्रिंट बताऊँगा चेंज करके, पहले मैं इसको देखता हूँ प्रिंट करके देन वैल्यू बताऊँगा चेंज करके।
फाइल को सेव करो, अब फिर से रन करो और देखना क्या आपका आंसर आएगा इस केस में। होपफुली इसका आंसर आपका इस केस में क्या आएगा, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया सेम आंसर, ठीक है, आपके आईडी से। लेकिन आपकी बार मैं अगर इसी वाले वैल्यू को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करके नीचे पहले मैं प्रिंट करने के साथ मैं वैल्यू को चेंज कर दूंगा। तो आपकी बार मेरा क्या आएगा देखना, आपका ध्यान से नीचे देना कि आपका वैल्यू तो चेंज होगा ही होगा, साथ में आपकी इसका जो आईडी होगा, आईडी जो एड्रेस निकलता है हमारे मेमोरी का वेरिएबल का, वो भी आपका ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा, जिसे गार्बेज कलेक्शन वैल्यू वो भी आपका चेंज हो गया क्योंकि हमने सेवन कर दिया है। सब देख सकते हो जैसे प्रिंट किया तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यही है कि जब भी आप एक एरे को किसी दूसरे एरे में कॉपी करते हो तो आपकी वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट आपकी सेम ही आ जाती है। मेरा ही कॉन्सेप्ट था, सो वैल्यू आपकी चेंज होती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं अपना डायमेंशनल एरे पे, जहाँ बात करें अपना मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये पॉइंट को समझ गए हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। अब इन सब को ऐसे करते कमेंट, मुझे इन सब की नीड नहीं है, हटाओ और अपना ये वाला इंपोर्ट भी हटा दो, क्योंकि अब मुझे एक्चुअल में मुझे सारे नम पाई से जितने भी मेरे लाइब्रेरी सबको फ्रॉम नम पाई से इंपोर्ट, मतलब जितने भी नम पाई के अंदर की लाइब्रेरी है सबको इंपोर्ट कर दो। अब जिसको भी कॉल करना चाहेंगे वो हमारा इस स्टार के हेल्प से इजीली कॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एरे लिया है, अभी फिलहाल इसको हटाते हैं, बात करते हैं अपने एरे की। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब भी आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाओगे इस केस में क्या आपका होगा कि आपका पहले जो आपका एरे है, जो आपका फर्स्ट एरे है, इसके अंदर वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, 5 है, सेकंड है 2 है। तो इसके कुछ मेथड हैं, कॉन्सेप्ट है, जब भी आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हो तो एरे के अंदर जाओगे, पहला एरे ओपन करोगे और इसके अंदर आपको दो एरे बनाने हैं, फर्स्ट एरे ये, देन कॉमा सेकंड एरे ये। तो आपके यहाँ पर दो तरीके से आपके एरे होंगे, इस वाले एरे के अंदर जाओगे, पहले वाले एरे को ओपन करके इसके अंदर आपको दो एरे पास करना है, फर्स्ट ये एरे एंड सेकंड ये टाइप का एरे, ठीक है। और यहाँ पे एरे के बाद आपको जो पहला आपका इसका डी टाइप है कि एरे का डी टाइप क्या होगा, किस टाइप का है, और सेकंड एक काम करो जरा इसको ऊपर कर दो, और सेकंड क्या आपका है इसका एन डायमेंशनल, इसका डायमेंशन कितना है, कितना शेप का है। थर्ड आपका इसका शेप कितना है, शेप आएगा इसका साइज भी आएगा और भी है। और शेप के बाद ना एक और कॉन्सेप्ट क्या आपका है, फ्लैटन का। फ्लैटन में क्या होता है बेसिकली कि हम अपने दो एरे को जैसे हमने कॉन्केटनेट किया था ना, सिमिलर हम फ्लैटन में अपने वैल्यू को हम एक दोनों रो को हम सिंगल वाले इस दोनों रो को हम एक सिंगल अपने रो में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज माय फ्लैटन कॉन्सेप्ट। तो फाइल को एक बार सेव करके ना यहाँ पे इसको प्रिंट करने लगे, अपन खोल दो और देखो बात कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस फाइल को कंट्रोल सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं कि होपफुली हमारा आंसर इसका क्या आएगा। मुझे उम्मीद है हमारा कॉन्सेप्ट मेथड डी टाइप में आपका आएगा, इंट में आएगा, इंट 32 भी आने वाला, ध्यान से देखना आप लोग। सो जैसे मैंने रन किया देखो डी टाइप में कितना आया, इंट 32 बिट्स आया, आया नहीं आया। और एन डायमेंशनल आपका यहाँ पर टू डायमेंशनल का है, टू आया। और इसकी शेप कितना है, तो दो रो हैं और इसमें आपका 6 कॉलम है, चेक करो दो रो हैं, हमेशा रो और कॉलम पे चलती है आपकी मैट्रिक्स। देखो इसमें दो रो हैं और फर्स्ट रो में आपका पहला कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट रो का सिक्स कॉलम, से मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये है कॉन्सेप्ट। सिमिलर फर्स्ट रो का ऐसे आपके ये बने रो को, और यहाँ पे साइज क्या है, जितने आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको इंटू कर दोगे तो 2.6 साइज है, मतलब 2.6 हो गया। अब फाइनली उस एंड में 2.6 आपका साइज आ गया, क्योंकि भाई दो हैं और 6 कॉलम है, 2.6 कॉलम को रो से इंटू कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो आपका होगा इस एरे के एलिमेंट के साइज के होंगे। और फ्लोटर में क्या होता है, दोनों एरे को इसने कंबाइन करके एक एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया। दिस इज माय मेथड। हम यहाँ पे इस एरे को चेंज भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे मैं अगर एक और ले लूँ, एग्जांपल के लिए मैं एक और ले लूँ, सो एग्जांपल के लिए 3 लिए, तो अब की मैं अगर इस फाइल को फिर से अगर कंट्रोल एस सेव करके स्क्रीन को क्लियर करके फिर से एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखना कि हमारे इस वैल्यू में क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है। और आप फाइल को सेव करके रन करो और देखो, पहला आपका डी डायमेंशनल कितना है बताओ,
डायमेंशन आपका अभी 2D एरे में है, जब दो एक से ज्यादा हो जाए आपके डायमेंशन आपका ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ओके, हमें यहाँ पे सभी इसको सभी का हमें शेप जो हमें है वो सेम ही देना चाहिए, ठीक है। शेप हमेशा क्या आपका होगा, साइज का तीनों का आपका सेम ही होगा, तभी हमारा काम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग मुझे अपना चैट में आप लोग अपना फीडबैक दें कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, ये आपको एरर जो आ रही है कोई और आपका यूट्यूबर कोई और अदर अकेडमिक चीज़ आपको नहीं बताती है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर आपकी एरर आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, इसी भी आप पे और आपकी रन करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा। अब देखना आंसर, आंसर में क्या आपका आएगा, डायमेंशनल बोलती है कि एक से ज़्यादा है तो आपकी डायमेंशनल भी 2D में है, 1D मतलब एक ही रो और एक से ज़्यादा उसको बोलते हैं 2D। देख रहा हूँ साइज वही है, इंट है, टू है, 2D है, बट यहाँ पे आपके को 3 रो है और 6 कॉलम है, और 3 into 6 कितना होता है 33 into 6 कितना होता है 18, तो आपके 80 आइटम्स हैं और पूरे एलिमेंट्स को इसने एक बार रो में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरे होते हैं फ्लोटन। मुझे उम्मीद है इस वाले पॉइंट समझ गए, मैं ऐसे करता कमेंट। अब मैं एग्जांपल है कि मैं इस साइप को अपने एरे को साइज को मैं चेंज भी कर सकता हूं अपने इस शेप वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से, तो इसे यहां कट करते हैं और ऊपर आके बात करते हैं, यहां से कट करते हैं और ऊपर आके बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं इस एरे को यहां से ऐसे कर दूं, अनकमेंट कर दूं, क्या लिखा है कि एरे 3 में जाके एरे 1 को रिशेप कर दो किसके साइज में, पहले नंबर 1। सो तो अब मुझे एक काम करते हैं प्लान के लिए, इस वाले एरे को करते हैं कमेंट, अब बात करते हैं। मैं फिलहाल के लिए दोनों एरे में से मैं कुछ एलिमेंट को यहाँ से गायब करता हूँ। अब मेरा साइज कितना है 2.5 का है और इसको मैं चेंज करूँगा किस में 5.2 में करूँगा। एग्जांपल के लिए मैं इसे हटाता हूँ इसे और इसको मैं जितना एलिमेंट्स है आपको साइज उतनी रखनी है। अब मैं इसे कर दिया 5.2 में चेंज कर दिया, क्या किया मैंने इसको 5.2 मैंने चेंज कर दिया, तो क्या होगा जब मेरा ये एरे 2.5 का था अब मेरा क्या हो गया 5.2 का, इट मीन्स अब मेरे 5 रो बनेंगे और 2 कॉलम बनेगा। एक बार स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करके फाइल को एक बार स्क्रीन को क्लियर करके रन करते हैं और देखते हैं क्या मेरा एक्चुअल में एरे का साइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होपफुली हमारा एरे का साइज यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन आप एक भी एलिमेंट्स को इधर उधर नहीं कर सकते। जितना एलिमेंट्स अगर यहाँ 10 है तो 10 के भी आप पे आपको लगाने लगे कि कैसे 10 को मैं उसका साइज चेंज कर दूँ। देखिए 2 to 5, 1 row, 2 row, 3 row, 4 row, 5 row आपके यहाँ 2 कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 3.2 करना है, तो क्या होगा था एग्जाम्पल के लिए 3.2.2 करना है, तो अब 3 to 6 और 6 to 12 इसके भी आपके 12, इसके अंदर आपके 12 एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या करो आप यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड कर दो जो हमारा पहले से ऑलरेडी था। तो अब क्या होगा, अब आपके एरे जो है 3 रो बनेंगे और उस रो के अंदर 2 रो और 2 कॉलम बनेगा। ध्यान से देखना, जैसे मैंने फाइल को एग्जीक्यूट किया क्या हुआ, देखो फर्स्ट रो पूरा हो गया, सेकंड रो एंड थर्ड रो, और इन तीनों रो में क्या आपका है, देखोगे तीनों रो में क्या आपका है, पहला आपका देखो फर्स्ट रो के लिए 2 रो 2 कॉलम है, सेकंड रो के लिए फिर 2 रो 2 कॉलम है, फिर थर्ड रो के लिए 2 रो 2 कॉलम है, ये आपके होते हैं। साइप को हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। अब बात करते हैं हम अपने मैट्रिक्स के कि एक्चुअली इसको मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, हम इस एरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स के लिए करना क्या है कि जो हमारे वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे इस वाले एरे में, आपको इस एरे को आपको बाहर मैट्रिक्स लिख देना है, तो आपका ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स और एरे को डिफेंड नहीं है, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, अब यहाँ से उसका कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान से समझना आप लोग इस चीज़ को। तो यहाँ से आपके बारे में अगर इस फाइल को मैं सेव करूँगा तो मेरा ये वाला मैट्रिक्स जो आपका है वो मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा, आपका मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा। एक बार मैं इस फाइल को यहाँ से सेव करके इसको यहाँ से करता हूँ, ये क्या खुल गया ये, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है डन है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर किया, फाइल रन करते हैं और चेक करो कि होपफुली आपका ये अब आपकी बार मैट्रिक्स वाले फॉर्म में आपका प्रिंट हो जाएगा, दिस इज माय मैट्रिक्स, बिकॉज हमने बाहर इसको मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट लिख दिया है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग खुद का भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, हम अपना खुद का मैट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे, पहले आप एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स लिखो, सिंगल कोटेशन के अंदर को साइज देनी है, क्या देना है कि पहला आपका देखो फर्स्ट रो के लिए ये हो गया फर्स्ट रो, फिर सेमी कॉलन, सेकेंड रो, फिर सेमी कॉलन, थर्ड रो, तो आपका 3 रो हो गए बेसिकली, कितने हो गए
तीन रो गए, फर्स्ट रो ये आपके काम करेगा फर्स्ट रो के लिए, ये काम करेगा आपका सेकेंड रो के लिए, ये काम करेगा आप थर्ड रो के लिए। तो तीनों रो के लिए मैट्रिक्स काम किया। जब प्रिंट करोगे तो आपका ये भी आपका एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में बन के आएगा। फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका मैट्रिक्स का। बड़े ध्यान से देखना आप लोग कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है, मैट्रिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। होपफुली आप इस कहाँ से देख पाओगे, देखो 1, 2, 3, 6, 4, 5 और 9, 7, 6। हम इसका डायमेंशन मतलब जो इस मैट्रिक्स का आपका डायमेंशन कितना है, 1, 4, 6, इसका डायमेंशन कितना है, 1, 4, 6 क्या है इस मैट्रिक्स का आपका डायमेंशन है। तो इस केस में आपका यहाँ पे 1, 4, 6 आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन आने वाला है। एक बार इस फाइल को यहाँ पे अगेन से सीएमडी को हम क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन और अगेन से इसको एग्जीक्यूट रन करते हैं। होपफुली आपका मैट्रिक्स प्रिंट भी होगा, साथ में आपका डायमेंशन की वैल्यू भी आपके आने वाली है। आप ध्यान से देखना, दिस इज माई डायमेंशन, दिस इज माई मैट्रिक्स। नीचे आपका डायमेंशन नहीं आया, डायमेंशन नहीं आया, ओके हमने फाइल सेव किया ही नहीं। फाइल सेव करते हैं और इसको जरा भेज दें ऊपर, इसको जरा भेजते हैं ऊपर। अब ठीक है, डन है, डन है, सब डन है। सो डायनल वैल्यू अब की बार होपफुली मेरा यहाँ पे आंसर डायनल वैल्यू मेरी आने वाली है। एक बार स्क्रीन फिर से क्लियर कर लो और नाउ अगेन से प्रिंट। सो होपफुली माई मैट्रिक्स एंड ऑल्सो माई डायनल वैल्यू कितना आपका आएगा, 1, यहाँ पे फिर 4, फिर आपका आंसर कितना आएगा, दिस इज 1, 4 आपका ये होपफुली 1, 4, 6 क्या आपका आएगा, जिसमें डायनल वैल्यू कैसे होती है, आपकी डायनल फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ मैथ्स पढ़ने नहीं आए, यहाँ पे पढ़ना है आपने मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, यहाँ पढ़ना है प्रोग्रामिंग। चलिए मेरा इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसे यहाँ से हटाओ, कमेंट करो और नीचे आ जाओ। अब सवाल है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उसके एलिमेंट सेम चाहिए भाई। जितने आपके साइज रो कॉलम आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतने ही मेरे होने चाहिए सेकंड में, तभी आपका एडिशन होगा और माइनस होगा। लेकिन मल्टीप्लाई रूल क्या बोलती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर लिख लो कि फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम नंबर इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रो। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर कितना, 3 है, 1 column, 2 column, 3 column। और सेकेंड मैट्रिक्स का आपका रो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो भाई 1 row सेमी कॉलन, सेकेंड रो सेमी कॉलन, तो ये जब भी मल्टीप्लाई होगा जो आपका पहले मैट्रिक्स का आपका कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स रो के हमेशा बराबर होता है, तभी आपका मैट्रिक्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। यही कॉन्सेप्ट हमारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करने का। एक बार फाइल को हम यहाँ सेव करेंगे और देखना कि आपका आंसर क्या पे आएगा। और एक बार मैट्रिक्स को मैं प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई का फॉर्म और डैश को लिख देंगे प्रिंट। अगेन फाइल सेव करते हैं और नीचे आके फाइल को करेंगे एग्जीक्यूट और होपफुली आपका आंसर आएगा बहुत आर द मल्टीप्लाई ईच वन। सो मेरा मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से स्क्रीन क्लियर करता हूँ और ध्यान से दिखाता आप लोगों को क्या होगा। माई मैट्रिक्स प्रॉपर आपका आएगा मल्टीप्लाई ओके। और कैसे मैट्रिक्स का करते मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैथ्स पढ़ने नहीं है, यहाँ पढ़ना है कंप्यूटर साइंस। तो अब ये हुआ कैसे, इसका लॉजिक आप लोग क्लियर है तो मुझे चैट में लिख के बताना, नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं। और अभी मेरे कुछ दिन पहले अपना अदर एकेडमी चैनल पे मैंने JR नॉलेज इंस्टीट्यूट एकेडमी चैनल पे मैंने अपना एक क्लास 12 के बच्चों के लिए मैराथन स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वहाँ पे जाके एक बार इसको विजिट करके देखना कैसे मैथ्स के अंदर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर नया प्रोग्रामिंग, फिर भी आपको डाउट्स हो तो चैट में लिख के देना, यस डाउट्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, मैट्रिक्स के डायगोनल कैसे होती है, आपका मैट्रिक्स कैसे बनेगा है ना, मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप कैसे नंपाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, कैसे उसको इंपोर्ट करना है, कैसे आपका एरे बनेगा, कैसे आपका 2D एरे बनता है, उसके रिसेप शेप सब चीज़ें पढ़ लिया हमने। यहाँ पे हमने साइज शेप सब के बारे में बात करिए, एनी डायमेंशन क्या होती है, फ्लोटर क्या होता है, मोड सब चीज़ें पढ़िए। तो अब आप लोग मुझे अपना एक फीडबैक देके जाना, कॉपी कैसे करते हैं एरे को, एक फीडबैक लिख के देना सर हमारा ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपके चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ रहे कंटेंट आपका बेस्ट है, मुझे अपना एक चैट में और अपना ही मोहर लगा जाना इस चैनल की हेल्प से, क्या झंडा कैसे करोगे, एक कमेंट करके और एक लाइक करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के अंदर, लिख इस तरह से पढ़ते रहे, एनालाइज करते रहे, पहले उसको देखे, हर टॉपिक को स्टेप बाई स्टेप पढ़ना है आपको, अदरवाइज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी और आप एक परफेक्ट पाइथन डेवलपर नहीं बन पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, सो मीट यू नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट आफ्टरनून, नेक्स्ट इवनिंग। सो थैंक यू, बाय बाय।